भिंड जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को मिली जीत का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में 35 सालों से कांग्रेस का अवैध किला ढहाने के बाद पहली बार केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लाहौर पहुंचे थे। सभा में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए मंच पर पहुंचे दिव्यांग बुजुर्ग को छाती से चिपकाकर उनका आशीर्वाद लिया। बैसाखी भी पहनाई अपने हाथ से ताकि दिक्कत ना हो बुजुर्ग दिव्यांग को। विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व लाहौर विधानसभा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में कौतूहल का विषय था कि आखिरकार यह लाहौर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का अवैध किला क्यों बना हुआ है। फिर 2024 में लाहौर पर भगवा ध्वज फैलाने की जिम्मेदारी भाजपा के शीर्ष रणनीतिकारों ने यह जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी और इस रणनीति के तहत विधानसभा 2023 के चुनावी समर में महज 2 दौरे में कांग्रेस के अवैध किले को अपनी कौशल रणनीति के तहत चलते लाहौर की जनता को यह विश्वास दिलाया कि यहाँ से आप लोग लाहौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अमरीश गुड्डू शर्मा पर भरोसा जताते हुए विजयी करवाएं तो मैं लाहौर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आऊँगा और यहाँ के विकास के लिए संभव प्रयास करूँगा। जिसके चलते लाहौर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताते हुए लाहौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अमरीश गुड्डू शर्मा को बंपर जीत दिलवाई। वह ऐतिहासिक क्षण का आवाज व्यक्त करने के लिए आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लाहौर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं जीवन भर लाहौर की जनता का जीवन भर ऋणी रहूंगा। इस लाहौर की जनता ने भय डर आतंक का समाप्त कर अपने लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। इस मौके पर मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, चुनाव के समय पर विरोधियों ने मुझे और मेरे परिवार को भला बुरा कहा, मगर मैं शांत रहा। मुझे लाहौर की जनता पर भरोसा था कि वह मेरे स्वाभिमान को झुकने नहीं देगी। अब जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई है तो यह मेरा और भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नैतिक दायित्व है कि हम सब लाहौर के विकास के लिए प्रयास करें। आवास सभा में मंत्री राकेश शुक्ला, पूर्व विधायक रणवीर जाटव, सांसद संध्या राय, पूर्व सांसद भागीरथ प्रसाद, पूर्व सांसद अशोक अर्गल, जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, जयप्रकाश राजौरिया, भाजपा प्रभारी, पूर्व मंत्री इमरती देवी, पूर्व विधायक जसवंत जाटव, पूर्व विधायक कमलापति आर्य, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रोमेश महंत व अशोक चौधरी, राजा राम बिथरिया, नवल किशोर मिश्रा, संतोष बौरे, संजीव नायक, राजेंद्र उदैनिया, राजा यादव, अनूप त्यागी आदि मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर बनु तिवारी ने किया। इस आवार सभा में आए हुए सभी अतिथियों का आभार लायक सिंह कुशवाह ने व्यक्त किया। ये वही लायक सिंह कुशवाह हैं जिन्होंने अपनी सादगी से निस्वार्थ दान गरीबों में देकर अपनी सादगी से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मन जीत लिया है। लायक सिंह कुशवाह क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं और उनके द्वारा लगातार किए जा रहे जनभावी और जनसेवा कार्यों से लोगों में एक अलग ही पहचान लायक सिंह कुशवाह ने अपनी बना ली है। देखिए सबसे पहले लायक सिंह कुशवाह ने हमारे संवाददाता पीयूष पुरतरिया से क्या कहा। क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत दिनों बाद सीट आई हुई है तो मेरे को हमारे लाहौर के समस्त लोगों को अति खुशी है और इस वक्त में महाराज आए हुए तो हम सब लोग लाहौर की पूरी जनता उनका वंदन और अभिनंदन करके उनका ये लाहौर क्षेत्र की जो 33 साल की बहुत आवश्यकता है हमारा साहब और वो बिना आपके आशीर्वाद के संभव नहीं हो सकती। मैं लाहौर क्षेत्र की जनता को आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। लाहौर क्षेत्र की जनता का कोई दलित दोरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के आप सिपाही है महाराज साहब। लाहौर क्षेत्र की जनता को आप गोद ले लीजिए, बस यहाँ की कोई गलत काम की किसी को आवश्यकता नहीं है महाराज साहब। बस 33 साल का जो भाव है बस उस भाव में मल्लम का काम हो जाए महाराज साहब, यही मेरा आपसे निवेदन है। इसी के सामने अपनी बाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। चुनाव प्रजातंत्र का जश्न होता है जहां एक एक नागरिक को अधिकार दिया जाता है अपने भविष्य का निर्माण सदैव स्वयं करने के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनना और उस वातावरण में उस प्रचार के समय में प्रदेश और संभाग से देश विदेश से लोग आते हैं। यहां मैंने आपको चुनाव के समय में भी कहा था, ये चुनावी समर है,
और इस चुनावी सबर में अनेक पंछियां यहां बसेरा करने आएंगी। लेकिन जैसे ऋतु बदलता है, चुनावी समर संपन्न होने के बाद ये सारी पंछियां फुर्र करके यहां से उड़ के चले जाएंगी और 5 साल अपना चेहरा यहां नहीं दिखाएंगी। 33 सालों से जो कांग्रेस के विधायक का जो कुशासन, जो काली छाया लहर में थी, उसको दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी और महाराज के आशीर्वाद से यहाँ के विधायक ने, अमरीश शर्मा जी ने किया है। ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव का विषय है कि इतने लंबे कालखंड के बाद में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बना है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि चुनाव के पहले यहाँ के पूर्व विधायक ने महाराज सिंधिया और उनके परिवार के खिलाफ अनावश्यक रूप से कई सारी टिप्पणियां की थी और महाराज उस समय शांत थे। तो महाराज और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसने इस विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक को जवाब दिया है और यहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना हुआ है और ये आपके और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है।